यूपी के रायबरेली के शिवगढ़ में पूर्व विधायक रामलाल अकेला का 65वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एवं खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश यादव MLC बाराबंकी ने वर्तमान की केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में ना तो प्रदेश की खस्ता हालत को सुधारा गया और न ही शिक्षा बेरोजगारी के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई नवीन कार्य किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने कहा कि हम 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के विधायक है रामलाल अकेला जी का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन भी था और खिचड़ी भोज भी। यहाँ आकर के समाजवादी लोगों से मिलने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो देश में माहौल है उसमें सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में समाजवादी पार्टी के लोग रायबरेली की बछड़ों के सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आज संकल्प लिया। देखिए, मेरा जन्मदिन है ये मुझे याद नहीं था, लेकिन हमारे शिवगढ़ के कार्यकर्ता साथियों ने कहा कि आज जन्मदिन है आपका तो आपको शिवगढ़ आना। हमने कहा जन्मदिन के अवसर पर तो नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन करिए तो होगा। तो सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के कार्यकर्ता सम्मेलन किया और जन्मदिन की मुझे बधाई भी दी। मेरा जीवन जो बीता है और जो शेष एक ही लक्ष्य है कि हम अपने रहबर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री और उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प और सपना है हम सब गरीबों का, और उसे पूरा करने के लिए आज हम संकल्प लेते हैं और कितनी भी यातनाएं कितना भी संघर्ष झेलना पड़े हम अपने रहबर माननीय अखिलेश यादव जी को निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद भारत का नेता बनाने का काम करेंगे। भाई गरीब जनता के बीच में खिचड़ी भोज की दावत दे करके अपना जन्मदिन मनाए। और आजकल आप जो देख रहे हैं सामाजिक परिवेश में जैसे जानवर है या जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए क्या कहना? मेरा तो यही कहना है कि भाजपा सरकार में बलात्कारी मैदान में, तो अभी कल की बात है कि कानपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और वो जेल गए थे और छूट के आए और उसकी नाबालिग बेटी के छेड़छाड़ का विरोध माँ तो करेगी ही, माँ है, और उस माँ को मार डाला उन लोगों ने भाजपा सरकार में। और क्या हुआ उनके साथ? और उन्नाव ने लड़की को जला दिया, क्या हुआ भाई? वो भी विरोध कर रही थी लड़की, कानपुर में भी विरोध कर रही थी माँ, तो नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ था। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, झूठे हैं। इन लोगों के पास अखिलेश यादव के कामों का उद्घाटन करने के अलावा दूसरा अपने काम का उद्घाटन अब तक नहीं किया। मेरा नाम राकेश कुमार त्रिवेदी जी उर्फ फालू महाराज है जी, पछरामा विधानसभा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के विशेष में कार्य कर रहा हूँ। आज आप क्या कार्यकर्ता सम्मेलन चौथे स्तंभ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज का कार्यक्रम पछरामा विधानसभा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया है। कोई अकेला कार्यक्रम नहीं था, जन्मदिन के विषय पर कार्यकर्ताओं ने मनाया है। और इस जुर्मी सरकार वर्तमान में चल रही इसके विरुद्ध में कार्यकर्ता बिल्कुल उबाल मारे हुए हैं और ये सरकार चौथा स्तंभ से लेकर के कार्यकर्ताओं तक का उपयन कर रही है। आपसे अच्छा हम लोगों के दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, कार्यकर्ताओं के दर्द कोई नहीं समझ सकता है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर व्यक्ति से मैं आह्वान करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दे दिया है कि अब फर्श से लेकर अर्श तक लड़ाई लड़ी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। इसी वाणी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं शकील मंजूरी सभासद महासचिव समाजवादी पार्टी। क्या कहना है बहुत आज के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, आज का कार्यकर्ता सम्मेलन और खास बात है कि आपके नेता जी विधायक जी आज का कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए ज्यादा खास हो गया है कि आज पछरावा का क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय अकेला जी का जन्मदिन भी था। उस जन्मदिन के अवसर पर अकेला जी ने
पिछले कई वर्षों विगत वर्षों से एक नई परिपाटी चलाई है कि अपना जन्मदिन अपने आवास पर न मनाकर क्षेत्र की जनता के बीच मनाते हैं। पूरा पिछला कार्यक्रम बछरावा में, दो कार्यक्रम बछरावा में हो चुके हैं, ये तीसरा जन्मदिन तीसरी बार जो आयोजन हो रहा है वो श्रीगढ़ की धरती पर हो रहा है। कुछ कहना है? बस यही कहना है कि आज जो संदेश दिया है हमारे नेताओं ने आकर, और इस क्षेत्र की जनता बहुत सजग है, बहुत समझदार है, वो आने वाले जो 2022 है उसके लिए वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और अकेला जीत विधायक होंगे। मैं खड़ा हूँ जनपद रायबली के भवानीगढ़ चौराहे के पास एलादगढ़ मोड़ पर, जहाँ पर आज समाजवादी पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का हुजूम में उमड़ पड़ा है। और खास बात यह है कि आज यहाँ पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी का 65वां जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है। आपने सारे नेताओं को सुना, मुख्य अतिथि MLC राजेश यादव जी को सुना, सबके अंदर एक आक्रोश है, समाजवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और खास बात यह रही कि रामलाल अकेला जी ने अपना जन्मदिन अपने घर पे न बना करके कार्यकर्ताओं के बीच में मनाना उचित समझा। जैसा कि आप पूरी भीड़ देख रहे हैं, मैं दिखाना बताना चाहूंगा कैमरामैन को कि वो उतना बोर्ड दिखाए जहाँ पे लिखा है किसान सपा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं आयोजित महाखिचड़ी भोज। इस भोज का मतलब है, इस आयोजन का मतलब है कि सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ना। कैमरा पर्सन भास्कर साथी मिश्रा, लाइव 24 रायबरेली।